उत्तराखंड में वोटिंग को अब कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में प्रदेश में रैली और सभाओं का दौर पूरे जोर शोर से जारी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हरिद्वार में रोड शो करने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि एक ओर तो प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करते रहते हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के भ्रष्ट बागियों को अपनी पार्टी में शामिल कर उनके लिए वोट मांगने का काम पीएम कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस के बागी नेताओं को कचरा तक कह डाला। राहुल ने कहा कि हमने जिस कचरे को फेंक दिया उसे मोदी जी ने बीजेपी में ले लिया है, जो दिखाता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। आपके प्रधानमंत्री पूरे देश में कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, तो फिर आपके प्रधानमंत्री जी ने उन नेताओं को क्यों लिया बीजेपी में? राहुल गांधी के रोड शो के दौरान बीजेपी के लोगों ने उन्हें पार्टी के झंडे दिखाए, जिस पर राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो उन बीजेपी के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्हें सुनने के लिए आए हैं। इसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कुछ सवाल भी पूछे। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे बीजेपी के मित्र भी यहाँ आए हैं मेरी बात सुनने, और मैं उनका भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ कि वो भी आए। उन्होंने भी मेरा वेलकम किया, स्वागत किया। मैं हमारे जो बीजेपी मित्र हैं मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बता दें कि राहुल गांधी ने हरिद्वार में करीब 75 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसमें लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इसके अलावा राहुल ने शाम के समय हर की पैड़ी में गंगा आरती में हिस्सा भी लिया। बहरहाल उत्तराखंड में सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में कोई भी पार्टी मतदाताओं को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन जनता किसकी बात सुनती है ये तो 11 मार्च को आने वाले नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।